तक हमारी सलाह नहीं हो जाती तब तक हम शांति भंग नहीं कराएंगे। शांति होगी इस बात बता दें। अपने काफिले के साथ बच्चे आए उनके लिए भी तालियां बजा के स्वागत करते हैं। किसान नेता सुरेश कोत को वहाँ पकड़ा गया था उसको लेकर प्रशासन से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो भी आए थे और पुलिस के अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। तो बात करी तो हमने फिर इन पर दो ही बातें रखी कि भाई एक तो हमारे जो साथी हैं सुरेश कोत और रवि वो अरेस्ट कर रखे उनको छोड़ा जाए ताकि वो यहाँ आ जाएं। और दूसरी बात ये है कि हम कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमने आज बड़ा फैसला लेना है, पूरी पंचायत आज ये फैसला लेंगे कि भाई जो पंजाब के किसान आ रहे हैं उनके साथ वहाँ जाना है या दिल्ली जाना है या क्या करना है। तो और वो उस मांगे ये दो ही मेन, तो जैसे MSP की गारंटी कानून बना दें, MSP सपोर्ट प्राइस का और दूसरा कर्जा मुक्ति का, और बाकी अन्य तो छोटे छोटे मेन तो यही थे भाई इनको मान लें। अरे हमारी कोई लड़ाई थोड़ी सरकार के साथ है, ये कर्जा मुक्ति कर दो किसान को और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दे दो जो इन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था। तो सरकार इसने मोदी साहब ने इन्होंने वादा खिलाफी की है, इसलिए जो किसान है दोबारा फिर से लामबंद होने लग रहा है और पूरा पंजाब तो उठ के आ ही रहा है। अब हरियाणा देख लो आपके सामने सारी खापें, चाहे वह सतरोड़ खाप हो, चाहे वो 12 हो, चाहे ये दूसरे अन्य रोगी खाप हैं, सारी खापे इकट्ठी होकर के ये निर्णय लेने लग रहे हैं कि ये अब इसको ये एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसको असल तो मान लेंगे, आज भी 6 बजे मीटिंग है चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन देखो क्या रहता है, 4-5 दौर की बातें होगी, अभी तक कुछ नहीं निकला, कुछ बातों में सहमति होगी कुछ में नहीं हुई है। अगर इनमें सहमति नहीं बनती है तो फिर आज जो फैसला यहाँ से होगा वो फैसला लेकर के अगली कार्रवाई जो है आपको बता दी जाएगी। लेकिन किसान मजदूर गरीब आदमी अब पीछे हटने वाला नहीं है, इतना अवेयर हो गया है। पंजाब के जो किसान हैं उनका पूरा साथ देंगे, जैसे 1.5-1.75 साल पहले आंदोलन चला उसी प्रकार से अब सारे लामबंद हो गए इसके आंदोलन शरीक होने के लिए और मांगे बनवाने के लिए। सुरेश कोत को लेकर कितने देर का आपने अल्टीमेटम दिया था? कि 2 घंटे का दिया था उन्होंने और उन्हें कहा था अभी बात करके, अब 2 जिले लगते हैं ना इसमें, तो दोनों जिले के SPA से बात करके और अभी बता देंगे आपको। और हमने कहा भाई हम शांति बनाए रखें, अनुशासन प्रिय लोग हैं, नया कानून हाथ में लेंगे, लेकिन अगर इस तरह की ज्यादा जैसे ट्रैक्टर रोक लिए, ट्रैक्टर बंद कर दिए और किसानों को गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे तो फिर करेंगे तो फिर देखो मेरी लटतंत्र हो गया, प्रजातंत्र तो खत्म हो गया। अरे हम तो अपने अधिकार मांगने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये क्या करते हैं दारे खिसवाड़ जी। अरे भले आदमी हो, कब 5 आदमी ज़्यादा नहीं हो सकते, एक परिवार में 6 आदमी हैं तो क्या एक को कहीं निकाल देंगे? क्या दारा 140 वहाँ भी लग गई? तो इन्हें शर्म नहीं आती, ऐसे हथकंडे पड़ा रहे हैं, वहाँ किले गाड़ दी है, वाटर कैनन से हमले कर रहे, रबड़ी गोलियां चला रहे हैं, आंसू कैसे गोले छोड़े जा रहे हैं, सारी गाड़ियां तोड़ दी, किसानों मारा गया। तो हम निंदा करते हैं, ऐसे लोग सरकार के काबिल नहीं है, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और ये मांगे मनवा कर ही वापस लौटेंगे। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और लुदास मेरा गाँव है और हल्का मेरा नलगुआ पड़ता है और मैं भारतीय किसान यूनियन अंबावता का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। अपने काफिले के साथ बच्चे आए उनके लिए भी तालियां बजा के स्वागत करते हैं।